नमस्कार। नीति कथाओं को बार बार सुनने और सुनाने का कारण यही है कि इन कथाओं से मिलने वाली शिक्षा हमें स्मरण रह सके, इन शिक्षाओं को हम अपने व्यवहार में उतार सकें। हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति का ढंग भिन्न होने के कारण पहले सुनी हुई कथाओं में भी दोबारा सुनने पर रुचि बनी रहती है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही दादा दादी नाना नानी से वही गिनी चुनी कथाओं को बार बार रुचिपूर्वक सुनने की भी परंपरा रही है। आज जो कहानी आप सुनेंगे वह भी बहुत रोचक और शिक्षाप्रद है, परंतु कहानी सुनने से पहले आपको एक काम करना है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वह यदि लाल रंग का है तो उसे तुरंत दबा दें। बटन दबाने के बाद इसके बराबर में एक घंटी भी बनी आएगी, उसे भी दबा दें। अब आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिल जाएगी। जिन्होंने हमारा चैनल पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है उनका सादर आभार। आज जो कहानी आप सुनेंगे उसका शीर्षक है राजा की नाव। एक समय की बात है, एक नगर का राजा बहुत अहंकारी था। उसको अपनी शक्ति पर और संपत्ति पर अत्यधिक अहंकार था। उसी राजा का एक सेवक बहुत ही सज्जन था। वह बहुत धार्मिक विचारों का व्यक्ति था। उसका प्रयास यह रहता था कि उसके हाथों से कोई अन्यायपूर्ण कार्य ना हो पाए। उस राज्य में एक नदी बहती थी जिसके उस पार घना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत पुराना विशाल शिवालय था जो एक सिद्ध स्थान था। राजा अपने अहंकारवश कभी उस मंदिर में नहीं गया था, परंतु उसका सेवक प्रतिदिन रात्रि के समय उस मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए नियमित रूप से जाता था। एक दिन राजा के मन में यह विचार आया कि उसे भी उस मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करने चाहिए। इसलिए उसने अपने सेवक से पूछा कि क्या वह उसके साथ मंदिर चल सकता है। सेवक ने बताया कि महाराज, नदी के उस पार जाने के लिए हमारे राज्य में छोटी नावों की व्यवस्था है जिसमें केवल एक व्यक्ति ही बैठ सकता है, तथा उस नाव को चलाने के लिए चप्पू उस नाव में बैठे व्यक्ति को स्वयं ही चलाने पड़ते हैं। राजा कुछ देर सोचने के बाद इस शर्त पर भी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गया। रात्रि के समय राजा और उसका सेवक दोनों नदी किनारे पहुंच गए और अपनी अपनी छोटी नौकाओं में सवार हो गए। राजा और सेवक दोनों ने नाव के चप्पू चलाने प्रारंभ कर दिए। सेवक की नाव राजा से आगे निकल गई। राजा रात भर चप्पू चलाता रहा, परंतु नदी पार नहीं हुई, वह उस पार नहीं जा पाया। सवेरा हो चुका था तो राजा ने देखा कि उसका सेवक नदी के उस पार से अपनी नौका में आ रहा है। उसने पूछा कि भगवान के दर्शन हुए क्या। तब सेवक ने उत्तर दिया, महाराज, बहुत ही सुंदर भगवान के दर्शन हुए और मुझे बहुत शांति प्राप्त हुई, लेकिन आप मंदिर में क्यों नहीं पहुंच पाए। राजा बोला कि मैं तो रात भर इसी नाव के चप्पू चलाता रहा, लेकिन फिर भी मेरी नाव उस पार नहीं जा पाई। सेवक ने कहा कि महाराज, आप रात भर चप्पू तो चलाते रहे, अपना प्रयास तो पूरा करते रहे, परंतु आपने नाव की रस्सी खूंटे से तो खोली ही नहीं थी, वह तो अभी भी बंधी हुई है। इसीलिए आपके द्वारा रात भर चप्पू चलाने पर भी, सारे प्रयास करने पर भी आप नदी पार नहीं कर पाए। इस कथा से दो तथ्य निकलकर आते हैं। पहला, जब तक हम अपने जीवन की नौका को अहंकार के खूंटे से लालसा की रस्सी के साथ बांध कर रखते हैं, तब तक हमारे जीवन की नौका उस पार यानी भगवान के पास नहीं पहुंच सकती है। हमारे द्वारा किए गए सभी प्रयास निष्फल सिद्ध होते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि जब तक हमें किसी भी प्रकार की शक्ति का अहंकार अभिमान रहता है, तब तक भगवान की कृपा का अनुभव हम कर ही नहीं सकते। भगवान का कृपा पात्र होने के लिए मनुष्य को अपनी सारी शक्तियां समर्पित करनी पड़ती हैं और उस परम पिता परमात्मा की सनातन सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। राजा बनकर मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहता था, इसलिए उसका वहां पर जाना संभव ही नहीं हो पाया। भगवान के दर्शन के लिए तथा उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य राजा बनकर नहीं जा सकता है, वहां तो केवल भगवान के शरणागति हुए जीव ही जाने के अधिकारी हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब तक हम अपने जीवन की नाव को लालसा रूपी रस्सी के द्वारा
अहंकार के खूंटे से बांधे रखेंगे तब तक भगवान के सम्मुख जाना संभव ही नहीं हो सकता है। भगवान के चरणों में केवल निरअहंकारी और शरणागत ही जाने के अधिकारी हैं। आपको यह कथा पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।